में आज हम कक्षा 10 और अन्य कंपटीशनों की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आप देखो इसके सूत्र और किस तरह के सवाल आते हैं उनकी बात करें उससे पहले इससे संबंधित जो बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। आपने जीवन में अनेकों तरह की श्रेणी देखी होगी, जैसे मैं कुछ श्रेणी लिख देता हूं, देखिए आप जो बोर्ड पर आपने तीन तरह की श्रेणी देखी, तीनों अलग अलग तरह की हैं, पर नीचे की दो श्रेणी आप देख लीजिए ध्यान से, यहां 6, 10, 14, 18 अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो अगला पद है वो पिछले वाले पद में 4 जुड़कर आ रहा है, अर्थात दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है और वो क्या है 4 है। आप कोई से दो लगातार के पद देख लीजिए, जैसे 10 और 6 को लें इनका अंतर 4 है, 14 में से 10 को घटा के देखिए 4, 18 में से 14 को घटा के देखिए 4, अर्थात दो क्रम पदों का अंतर हर स्थिति में समान है, इसी कारण ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। यहां देखिए जरूरी नहीं है कि अगला पद जोड़ने के पश्चात ही प्राप्त हो, यहां देखिए 10 से 5 घटाएं 5 आ जाएगा, 5 से 5 घटाएं 0, 0 से 5 घटाएं, तो यहां दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है -5, पर ये अंतर सभी में समान है, इसलिए ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब देखिए हर श्रेणी के अपने अलग अलग नियम हैं, आप आगे गुणोत्तर श्रेणी फिर हरात्मक श्रेणी वो कक्षा 11 में पढ़ेंगे, ठीक है, उनका सिलेबस बिल्कुल अलग है, पढ़ाने का तरीका, उनके प्रतीक चिन्ह सारे अलग हैं, पर हम सीधे सीधे अब बात करते हैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी श्रेणी हो उनके जो पदों की संख्या, पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र सब कुछ अलग है, उनकी चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको व्यक्त करते हैं हम ए, ये सामान्यतः नियम बना लिया है हमने, ठीक है। इसी तरह जो इनका पदों का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सार अंतर। सार अंतर क्यों बोलते हैं कि किन्हीं दो पदों का अंतर है तो सभी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है वो समान होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम डी से, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि प्रथम पद क्या है भाई, प्रथम पद होगा ए, और अगर मैं कहूं आपसे द्वितीय पद क्या है तो द्वितीय पद कैसे प्राप्त करेंगे ए प्लस डी, अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम पद में सार अंतर को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूं आपसे कि तृतीय पद क्या होगा भाई, तो ए प्लस डी में एक डी और जोड़ देंगे। जैसे आप देखिए अभी मैं लिखा था ना 6, 10, 14, 18, तो देखो प्रथम पद तो ये था और दूसरा पद कैसे प्राप्त किया था 6+4 करके, ठीक है, फिर यहां 6+4 में 1+4 और जोड़ दिया था, फिर तीसरा ये चौथा पद कैसे प्राप्त हुआ था 6+4+4 में 1+4 और जोड़ दिया था, तो वही क्रम है। देखिए ऐसे में चतुर्थ पद पूछूं तो क्या हो जाएगा भाई ए प्लस डी में एक डी और जोड़ देंगे। अब इनको व्यवस्थित रूप में मैं लिखना चाहूं तो इसको ए, इसको ए प्लस डी, इसको क्या लिख देंगे ए प्लस टू डी, जो कि डी और डी टू डी, इसी तरह ये ए प्लस थ्री डी,
अगर इनको आप ध्यान से देखें, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, प्रथम पद क्या है a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस टू डी, चतुर्थ पद a प्लस थ्री डी। सोचिए अगर मैं पूछूं 50वां पद क्या होगा तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे बताइए, सोच के 50वां पद क्या कहोगे, a प्लस 49d, क्योंकि जो पद है उससे d एक कम है, दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2d है, चतुर्थ पद में 3d है, तो 50वें पद में क्या होगा a प्लस 49d। तो अब एक सूत्र मेरे पास आ गया, अगर मैं कहूं n-वां पद क्या होगा, ठीक है, तो n-वां पद क्या होगा भाई, n से एक कम d, तो क्या होगा पूरा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक सूत्र आ गया आपका पास, क्या भाई कि अगर कोई समांतर श्रेणी आपको पता है, जिसका प्रथम पद पता है, सार्बंधक पता है, तो हम उसका एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यहां प्रथम पद है, डी सार्बंधक है, एन वह पद संख्या है जो हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए आप भी पूछना चाहेंगे कि भाई एन में पद को कैसे व्यक्त करते हैं। अब इसको कई तरीके से व्यक्त करते हैं, कई लोग इसको tn से व्यक्त करते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d टर्म नंबर n, ठीक है, nth टर्म, जिसको क्या बोलेंगे nth टर्म, n वीं पद। कुछ लोग tn की बजाय an से इसको लिखना पसंद करते हैं, तो tn या an एक ही बात है भाई, आपको इन दोनों चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है, tn व्यक्त करें या an व्यक्त करें। जैसे ये समांतर श्रेणी थी भैया और मैं पूछता कि इसका 20वां पद क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि A20, आप A20 लिखिए या T20 लिखिए, बात एक ही है। तो A20 बराबर क्या हो जाता भाई, A प्लस कौन सा पद पूछ रहा हूं मैं, 20वां, तो n के स्थान पर क्या लिखते हैं 20, फिर माइनस 1 इंटू डी, डी क्या था यहाँ 4, क्योंकि तो पदों का जो अंतर था वो क्या था 4। तो देखिए a के स्थान पर क्या था, देखो यार इस सूत्र में लिख देते हैं पहले ये n माइनस 1, ठीक है, तो a के स्थान पर क्या लिखूं मैं 6 प्लस 20 माइनस 1 और d के स्थान पर 4, तो 6 प्लस 19 गुणा 4, ठीक है, तो 6 प्लस 19 चौका 76, ये 82। आप इसी तरह अगर लिखते चले जाएं तो 20वां पद क्या आएगा 82, ठीक है भाई। वैसे अगर कोई सीधे पूछे ना आपको ना कंपटीशन में, तो सीधे करना होता है 20वां पद इसका मतलब a प्लस 19d, ठीक है। अब मैं एक दो उदाहरण और देता हूं, फिर आपको अच्छे से सवाल कराने का प्रयास करता हूं। जो दर्शक मुझे लाइव देख पा रहे हैं वो अपना प्रश्न सीधे भेज सकते हैं, मेरे साथ ही राजीव जी खड़े हुए हैं, और अगर कोई प्रश्न भेजेंगे तो वो सीधे मुझको लिख कर दे देंगे, मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। और अगर आप इस समय नहीं भेज पा रहे हो तो आराम से मेरा नंबर आप लोगों के पास है, फेसबुक से आप ले लेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी वही है, आप सीधे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल करना चाहें तो मेल से कर दीजिए, मैं कल का जो भी सेशन होगा जब भी मैं उसमें आपका नाम लेके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने कुछ प्रश्न आपकी किताब से लिए, क्योंकि प्रश्न तो आपकी किताब से आना है परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, तो पहले मैं किताब के कुछ सवाल करा देता हूँ, उसके पश्चात मैं कंपटीशन के मतलब के जो होते हैं ना कठिन कठिन सवाल वो कराने का प्रयास करूंगा। जैसे देखिए आपकी जो प्रश्नावली है उसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, पहला ही कि देखिए प्रश्न है कि समांतर श्रेणी, इसको मैं शॉर्ट में एक ही लिख रहा हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी लिखूं उसकी बजाय एपी में शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, एपी है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद निकालना है आपको, ठीक है भाई, और इसका एनवा पद भी आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल सरल सा सवाल है, आपको बिल्कुल पहले नहीं होना है, क्या करना है सबसे पहले आपको देखना है प्रथम पद क्या है भाई, प्रथम पद ए,
ठीक है। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और वो क्या है हमारे पास 10, ठीक है। फिर लिखते हैं हम सारबंतर। अब सारबंतर मतलब सभी पदों के बीच का अंतर, ठीक है। आप कोई से दो क्रमागत पद ले लीजिए, सात में से 10 घटा के देख लीजिए, चाहे 4 से 7 घटा के देख लीजिए, ठीक है। तो 7 माइनस 10 लिखेंगे माइनस 3, ठीक है, क्योंकि अगला पद कैसे प्राप्त हो रहा है, पिछले वाले पद में माइनस 3 जोड़ने पर अगला पद आ रहा है। जैसे 10 में माइनस 3 जोड़े जाए 7, 7 में माइनस 3 जोड़े जाए 4, फिर इसी तरह 1 आ जाएगा। इसका 30वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब n बराबर क्या है 30। अब सूत्र हमारे पास क्या है भाई, ध्यान रखें सूत्र लिखना बहुत जरूरी है, सूत्र के अलग से नंबर होते हैं, आप इतना लिख देंगे आधा नंबर आपका पक्का है, आपने कुछ भी नहीं किया यहां, केवल सवाल जो था आपके पास उसमें दी हुई चीजों को आपने लिख दिया आधा नंबर पक्का। अब आधा नंबर किस बात का है, आप सूत्र से ही लिख देंगे, और सूत्र क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें मान आपको रखना है। देखिए तो a कौन सा पद है भाई 30वां, ठीक है, तो a 30, a प्रथम पद 10 लिख दिया, प्लस n कौन सा पद पूछ रहा है 30, तो 30 माइनस 1, और d क्या है माइनस 3, ठीक है भाई। तो 10 और ये प्लस 30 से 1 गया 29, 29 में गुणा माइनस 3 का 10 और 29 87, ये किसके हो जाएंगे माइनस के, चिन्ह का ध्यान रखना भाई, क्योंकि माइनस 3 का गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 87 से 10 घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएंगे 77। तो ए 30, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का 30वां पद माइनस 77 हुआ। अब आप लोग ये पूछना चाहिए सर ये एनवा पद क्यों, एनवा पद का मतलब होता है इस श्रेणी का जनरल, जनरलाइजेशन करें इसको, हम एक सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, कोई इस तरह से नहीं लिखना चाहे, इसको एक सामान्य रूप में कैसे लिखे जिससे सीधे सीधे जौन सा पद पूछे उसका वैल्यू रखिए और आराम से उसमें नम आ जाए। जैसे मैं इसको समझाना चाहूंगा ढंग से कि एनवा पद निकाल दीजिए ए, ठीक है, और ए का सूत्र क्या है भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मान रख दीजिए इसमें प्रथम पद क्या है 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह क्या है माइनस 3, सरल कर दीजिए 10 प्लस, अब प्लस गलत है, क्यों गलत है क्योंकि माइनस 3 का गुणा एन से करेंगे तो माइनस 3 एन, ठीक है, और ये माइनस 3 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3, इसका मतलब ये क्या हो गया 13 माइनस 3 एन। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ इसका। अब जैसे आपको डायरेक्ट 30वां पद निकाल सकते थे यहां से, n बराबर 30 रख दीजिए आ जाएगा ना, देखें 13 माइनस 3 गुणा n की जगह 30 रख दीजिए तो 13 माइनस 30 किया 90, 90 में से 13 गए तो माइनस के 77, वही बात आ गई ना। अब देखिए जैसे यहां तीसरा पद है ना 4, तो आप निकाल के देखिए इसमें तीसरा पद 4 आता है कि नहीं आता है, तो ए 3 बराबर 13 माइनस 3 गुणा एन के स्थान पर 3, तो 13 माइनस 9 बराबर 4 आ गया ना। तो ये बात आपके समझ में आ गई ना कि एनवा पद का मतलब क्या होता है कि कोई सीरीज आपकी दी हुई है समांतर श्रेणी की और उसको ये जनरलाइज कर दें हम कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे कि सीधे एन का मान रखने पर इच्छित पद का मान हमारे पास आ जाए, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात सामान्यीकरण समांतर श्रेणी का। तो बात समझ में आई ना। अब हम फिर एक और दूसरा सवाल लेते हैं, हाँ देखिए अब जैसे कोई समांतर श्रेणी है, दूसरा प्रश्न लेता हूं मैं, ए पी जो समांतर श्रेणी है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, और इसका जो पता नहीं कौन सा पद 205 है, मैं पदों की संख्या निकालूंगी, पदों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इस बात से भी आपको बिल्कुल नहीं डरना है
बिल्कुल आपको दिमाग ठंडा रखते हुए बस वही सूत्र इस्तेमाल करना है जो अभी मैंने बताया था। क्या बताया था देखिए, सबसे पहले जो भी सीरीज आपको दी गई उसका प्रथम पद लिख दीजिए। तो प्रथम पद क्या है भाई, प्रथम पद के रूप में आपने सोच लिया a बराबर 7, ठीक है। सामांतर, सामांतर का मतलब क्या होता है, दो क्रमिक पदों का अंतर, अर्थात जिसको व्यक्त करते हैं d से। तो 13 से 7 घटा लीजिए 6, ठीक है भाई। अब ये पता नहीं है भाई 205 किस पर आएगा। हाँ, फेसबुक पर थोड़ी सी ये ब्रॉडकास्ट फेल्ड हो गई है, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद आपकी। हाँ, इसको पोस्ट कर देता हूँ। हाँ, फेसबुक पर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और ऑटो ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसके लिए हमें खेद है। और पुनः आपका फेसबुक पर हम स्वागत करते हैं, और थोड़ा सा व्यवधान यूट्यूब के दर्शकों को हुआ इसके लिए भी हम माफी चाहते हैं। दोबारा से देखते हैं कि जो एक समांतर श्रेणी हमारे पास है 7, 13, 19, इसमें क्या पूछ रहा है और पदों की संख्या पूछ रहा है, क्योंकि इसकी सीरीज का जो अंतिम पद दिया गया है वो 205 है। सवाल करने का वही तरीका है कि प्रथम पद के रूप में यहाँ 7 है और सार्वत्र कितना है 13 से 7 घटा दीजिए 6, 19 से 13 घटा दीजिए 6 आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि ये 205 कौन से नंबर का पद है इस सीरीज का। तो अब पता नहीं है, पता नहीं है तो मान लेते हैं ये 205 एनवा पद है, ठीक है। 205 कौन सा है एनवा पद, दिमाग को ठंडा रख के सूत्र लिखिए और सूत्र में इसका मान रख दीजिए। एनवे पद का सूत्र क्या है भाई, एनवे पद का सूत्र है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, ए एन का मान कितना है 205, ठीक है, घबराना नहीं है भाई। ए एन क्या होता है, एनवे नंबर का पद, और ये पता नहीं एनवे नंबर का है और कोई संख्या रही होगी, तो ए एन के स्थान पर मैं क्या रख देता हूं 205, ठीक है भाई। प्रथम पद के रूप में 7 हमारे पास है, एन माइनस वन इन टू डी, डी के रूप में 6, ठीक है भाई। सबसे पहले आप क्या करें, 7 को इधर ले आएंगे पक्षांतरित करके, 7 को इधर लेके आएंगे, इसका एक फायदा बताने जा रहा हूं मैं, वो अभी पता लग जाएगा। कि देखो 205, ठीक है, ये 7 इधर को प्लस है, बराबर का निशान कूद के इधर को आएगा तो कुछ तो लेके जाएगा, कुछ क्या लेके जाएगा, चित्र बदल के जाएगा, तो -7 हो जाएगा बराबर एन माइनस वन इंटू 6, ठीक है। तो 205 से 7 जाएंगे तो 198, ठीक है, बराबर एन माइनस वन इंटू 6। हम क्या करेंगे डायरेक्ट, ये तो विधि होती है कि भाई 6 है माइनस 6 लगती है, फिर इसको भी पक्षांतर करते टाइम अधिक लगता है, तो n माइनस वन का मान इससे क्या हो जाएगा 198 में 6 का भाग दे देंगे, तो 6 3 18 और 6 3 18 33 हो गए। तो n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 33, माइनस 1 को इधर लाइए प्लस 1 हो जाएगा 34। इसका मतलब जो 205 आपके लिए इस सीरीज में दिया गया था वो इस श्रेणी का 34वां पद है, ठीक है। आप संतुष्ट नहीं हुए हो तो आप 34वां पद निकाल के देख लीजिए भाई, वो 205 ही आना चाहिए। ये केवल आपकी संतुष्टि के लिए मैं निकाल के बता रहा हूं। A34 निकाल के देखिए, प्रथम पद के रूप में 7 प्लस एन क्या है 34वां पद, अर्थात 34 माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर क्या है 6, तो 7 प्लस 33 इंटू 6, ठीक है, 7 प्लस 33 चिक्की क्या होता है 198, ये तो वही 205 आएगा भाई, ठीक है। तो है ना सरल सवाल, तो आप बिल्कुल ही डरे नहीं, आपके जो प्रतीक दिए हुए हैं उनमें केवल आपको मान रखना है। अब मैं थोड़े थोड़े प्रश्नों का स्तर बढ़ाकर चलूंगा और वहां तक आपको ले जाऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आप किसी प्रश्न में अटके। तो मैं डस्टर्स और डस्टर्स, देखिए
इसमें क्या दिया हुआ है, एक एपी का अगला जो प्रश्न है तीसरा, एक एपी का अर्थात समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, इसका 29वां पद निकालना है। इसी श्रेणी का 29वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई इस सवाल को, ऐसे सवालों को करते समय आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहले जो श्रेणी ज्ञात नहीं है उस श्रेणी को मानिए। तो पहले क्या मान लेता हूं कि माना इस एपी का प्रथम पद ए है, ठीक है भाई, तथा सारांतर डी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि क्या दिया हुआ है आपके पास, तीसरा पद, इसका मतलब ए थ्री ये कितना दिया गया है 12, और तीसरा पद क्या होता है भाई ए प्लस टू डी। आप सीधे लिखिए भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन के स्थान पर आप तीन लिखेंगे तो तीन माइनस एक अर्थात दो, दो डी, ठीक है। आप डायरेक्ट लिखे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जैसे 50वां पद क्या होता है ए प्लस 49 डी, 100वां पद क्या होगा ए प्लस 99 डी, 500वां पद क्या होगा ए प्लस 499 डी, ठीक है। आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 3 और 4 की बात नहीं, जो छोटी छोटी बातों को आप लिखें। तो तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d बराबर 12, समीकरण एक। इसी तरह आप देखिए 50वां पद क्या है 106, तो 50वां पद क्या होगा ए प्लस 49d, ठीक है, और ये कितना है 106, समीकरण दो। आप समीकरण एक और दो को इस तरह से सॉल्व कीजिए कि आपके ए और डी का मान आ जाए, ठीक है। तो अब समीकरण एक से अगर मैं दो को घटा दूं तो ए टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ए कैंसिल आउट, तो देखिए यहां माइनस के नीचे वाला चिन्ह माना जाता है, ठीक है। अंतिम जो चिन्ह क्या है वो माइनस का है, तो माइनस के 49 से दो को घटाइए, माइनस के 47d, माइनस 106 से 12 को घटाइए तो माइनस के 94, माइनस इज कैंसिल विद माइनस, तो d बराबर क्या हो जाएगा 94/47 और 47 94, तो d का मान मेरे पास क्या आ गया 2। इस d का मान समीकरण 1 या 2 जो आपको अच्छा लगे या छोटा हो उसमें रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रख लेता हूं मैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए a प्लस 2 और d के स्थान पर क्या है 2, ठीक है, बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, पक्षांतरण कर दीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8, अर्थात ये जो पद आपको दे रखे थे वो किस समांतर श्रेणी के थे, जिसका प्रथम पद 8 और सारांतर क्या था 2। अब मुझे ज्ञात क्या करना है भाई, इस श्रेणी का 29वां पद, तो A29 बराबर क्या होगा A प्लस, सूत्र लिख देते हैं पहले, सूत्र आप AN बराबर क्या होता है, ठीक है, तो A29 बराबर A प्लस, ठीक है, आप A का मान भी रख दीजिए, हम निकाल चुके हैं, A की जगह क्या 8 और n के स्थान पर इसको निकाल रहे हैं 29वां, तो 29 माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर 2, ठीक है, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56 बराबर 64, ठीक है। आपका 29वां पद क्या आ गया 64। प्रश्न में जरूरी नहीं है कि आपसे 29वां पद पूछता, आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई एक एपी है जिसका तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106, तो उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ऐसे भी तो आ सकता था। तो समांतर श्रेणी क्या होती है भाई, समांतर श्रेणी का अभी मैंने बताया था जनरल फॉर्मूला क्या है कि पहले प्रथम पद को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं ए प्लस डी, तृतीय पद को क्या लिखते हैं ए प्लस 2d, चौथा पद क्या हो जाता है ए प्लस 3d, और ऐसे ये श्रेणी चलती जाती है ना। तो कैसे होती श्रेणी, ए क्या थी भाई 8, अगला पद क्या आ जाता 8 में
डी जोड़ता अर्थात 8 + 2 तो यह 10 आ जाता, फिर 10 में और 2 जुड़ते, ठीक है, तो ये 12 है, फिर ये 14 है, फिर 16, तो ये समांतर श्रेणी हो जाती है। ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता था कि ये पूछ लेता है भाई समांतर श्रेणी के पहले 3 पद याद कीजिए, पहले 3 पद ये आ जाते, ठीक है, तो आप समझिए ध्यान से, रटना इसमें नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इस तक प्रश्नों का बढ़ाता हूं, आज थोड़ी व्यवस्था में लेट हो गए, कल से आपको पूरा समय मिलेगा, जैसे ही इस कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है हमारी, उससे जैसे भी कोई समय हमें मिलेगा हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपना अध्ययन हमारे साथ जारी रख सकें। अब देखिए एक प्रश्न है कि दो अंकों वाले, चौथा जो प्रश्न है कि दो अंकों वाले, मैं अच्छे स्तर के सवाल भी कराऊंगा, ठीक है, जो विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, पहले मैं कक्षा 10 के स्तर के सवाल करा रहा हूं, जिससे क्योंकि ये सवाल भाई अधिकतर ये प्रयास रहता है पेपर सेटर का कि वो आपकी पुस्तक से ही प्रश्नों को दे, ठीक है, और जब एक बार में समझ में आ जाते हैं अच्छी तरह से तो उसके बाद आपको केवल संख्याएं बदल दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, ठीक है भाई, इस प्रश्न को देखिए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसा भी पूछ सकता था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, ना 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 11 से भाज्य हैं, 13 से भाज्य हैं, सबका तरीका एक ही है। देखो सबसे पहले आप देखिए दो अंकों की वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 7 से भाज्य है, देखिए 7 तो एक अंक वाली है तो 7 का पाड़ा लीजिए, 7 × 2 = 14, इसका मतलब दो अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से भाज्य हुई, 14, तो आपने पहली संख्या ली थी 14, फिर सीधी सी बात है क्या होगी 21, फिर क्या होगी 28, पूरी संख्याओं को लिखना जरूरी है। अब 14 × 7 = 98, ठीक है, आप ऐसा भी आप कहिए सर ऐसे तो 3 संख्या वाली कैसे निकालते, कोई डरने की बात नहीं है भाई, दो अंकों की अधिकतम बड़ी संख्या कौन सी है 99, आप 99 में 7 का भाग देके देख लीजिए, 7 × 7 = 1, ठीक है भाई, कितना बचा 2 और 7 × 4 = 28, इसका मतलब क्या बच रहा है, 1 शेष बच रहा है, इसका मतलब जो हमने संख्या ली है उससे 1 कम होगी पूर्णतः विभाज्य, तो 99 से 1 कम कौन सी है 98, ठीक है, तो जो इस सीरीज की अंतिम संख्या कौन सी होगी 98। पूछ क्या रहा है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, इसका मतलब 98 कौन से नंबर की संख्या है भाई, 98 कितने नंबर की संख्या है, 7 जैसे लिखिए आपने 14 × 21 = 28 तो निकाल लेंगे भाई, अब इसमें प्रथम पद लिखने की बात ही नहीं, 14 है, डी क्या है इसमें 7, वो 7 का अंतर है, तो अब सूत्र क्या है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, ए एन अर्थात अंतिम पर nth टर्म वो क्या है 98, ठीक है, याद रखना भाई इस श्रेणी का अंतिम पद 98 है, तो ए एन क्या होता है अंतिम पद ही तो है nवां पद, तो n के स्थान पर 98 लिख दिया मैंने, तो 98 बराबर a, a के स्थान पर 14 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की जगह 7, ठीक है,
अब मैंने पहले ही कहा था किताब की तरह नहीं कि सात का गुणा करें सात है माइनस सात, उस चीज में मत जाइए, आप आदत डालिए सीधे सीधे चौदह को इधर लाइए। ठीक है, पहले चौदह को इधर लेके आई, किसी सात से ये संख्या कट जाती है, हमेशा ऐसा रहता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले पांच से कट गई थी, छह से सॉरी छह से कट गई थी, तो चौदह को उठा के लाइए तो संख्या क्या हो जाएगी 98, 14 इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस बराबर n माइनस 1 इंटू 7, 98 से ये कितनी हो? जो 14 घटाएंगे तो 84 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, इसका मतलब तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 84 में 7 का भाग लग जाएगा, कितनी बार 12 बार, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, एक और इधर को आ जाएगी भाई तो 13, अर्थात दो अंकों की कितनी संख्याएं सात से भाज्य 13। ठीक है, वैसे भी देख लिया 14 सात 98 होते हैं, 14 ना सात का पाड़ लेंगे 14 सात तो 14 संख्या हुई, पर सात संख्या तो कहां चली गई एक अंक वाली में, तो 14 में से एक गई ना सात, कितनी संख्या रह गई 13 ही रह गई ना भाई, आई ना समझ। चलो मैं सवाल को चेंज और करके बता देता हूं, दो की बजाय मैं इसको क्या कर देता हूं तीन अंकों वाली, तीन अंकों वाली कितनी संख्या है सात से भाज्य है। अब आपको उसी तरह लिखना है कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, कौन सी है सोच लिया आपने, 100। ठीक है, 100 में सात का भाग दे दीजिए, ठीक है तो 3 7 4 28 नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने और चाहिए कि इसमें शेष पर नहीं बचता, पांच और भाई, दो तो बची गई, पांच और होते तो ये टोटल कितने हो जाते, सात और सात का ये भाग लग जाता, इसका मतलब 100 में कितने और जोड़ दूं मैं पांच, तो एक से पांच वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो सात से भाज्य है, 15 से 105 में से भी आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई 105, फिर 112 आएगी, फिर 119 डॉट 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 डॉट, ये सीरीज कहां तक जाएगी। अब तीन अंकों वाली अधिकतम संख्या कौन सी होती है, ट्रिपल नाइन, 1000 मत लिख देना क्योंकि वो तीन अंकों की संख्या नहीं है। ठीक है, तो 999 है भाई, सात से भाग दे लीजिए, सात एक सात, सात चौका 28, कितना बचा एक, फिर 9, सात दूनी 14, पांच ज्यादा है, इसका मतलब 999 कितना ज्यादा है, पांच ज्यादा है, पांच ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था 4। ठीक है, तभी तो जब 4 उतारते हैं तो 7 × 2 = 14 हो जाते हैं और भागफल क्या हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या होगी भाई 994। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि वो है सीरीज, वो है समांतर श्रेणी जो 105 से शुरू हुई है, 994 पे समाप्त हुई है, तो 994 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, कौन से नंबर पर जाकर 994 आते हैं। ठीक है, तो अब वही सवाल में करना है आपको प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, एक के स्थान पर 105 रखेंगे भाई, सात अंतर आपको पता ही है इसमें सात है क्योंकि सभी क्रमिक पदों के बीच का अंतर सात है भाई, तो सूत्र लिखेंगे उसी तरह, सूत्र को बार बार लिखिए जिससे भूले नहीं, ये ध्यान रखे, कभी कभी बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं यार सूत्र तो हमें याद है परीक्षा में क्यों लिखें, भाई परीक्षा में आपको इस तरह से लिखना है जैसे किसी बच्चे को आप समझा रहे हो, आपको सूत्र लिखना है नहीं तो आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ये तो दो नंबर का सवाल आएगा और छह नंबर वाले सवाल में तो सूत्र के ही एक या दो नंबर होता है। ठीक है, तो ए एन के स्थान पर क्या लिखूं भाई मैं 994 बराबर ए, ए के स्थान पर 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के स्थान पर सात लिख देता हूं मैं। अब सबसे पहले वही बात होगी
कि 994 से 105 को घटा लिया था, 1 से 5 को इधर ले आइए, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, तो इससे घटाएंगे हम तो क्या बचेगा भाई, तो 14 से 5 के तो 9 और ये 8 और 8, ठीक है बराबर, ठीक है। तो अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, n माइनस 1 का मान, तो 889/7, ठीक है, इस 7 का इस 889 में क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो देखिए 7 एक 7, ठीक है भाई, 1 7 दूनी 14 और 7 7 49, तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 तो ही माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो प्लस 1 बराबर 128, अर्थात तीन अंकों वाली 128 संख्या ऐसी है, ठीक है, तीन अंकों वाली 128 संख्या ऐसी है जो 7 से भाज्य होंगी, जो 105 से शुरू होंगी और 994 में समाप्त होंगी। तो ये बात समझ में आई ना, एक बार इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और आप इसको ढंग से देख सकते हैं, आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्रश्नों का और उत्तर बढ़ाता हूं, मैं प्रयास करूंगा, हमारे एक साथी हैं जो बहुत अच्छे कवि हैं, गणित पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो मनोरंजन की भी कभी कभी आवश्यकता हो जाती है, तो अगर उनसे टाइम मिला तो मैंने संदेश भिजवा दिया है, वैसे अगर वो आ जाते हैं और तो आपकी मनोरंजन के लिए और कुछ शिक्षाप्रद बातों के लिए मैं उनको बुलाऊंगा, पर तब तक आप मेरे साथ सवाल करते रहिए। हाँ भाई, तो देखिए अब अगला पद, हाँ अब एक ऐसा प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आप कंफ्यूजन के कारण अर्थात उसको ढंग से पढ़ते नहीं है और बहुत गलतियां करते हैं, और परीक्षक भी ऐसे प्रश्नों को आपको देकर आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को पहले लिखता हूं और फिर आपको 20 सेकंड सोचने के लिए दिए जाएंगे कि आप भी गलत सोच रहे हैं, और अगर सही सोच रहे हैं तो फिर तो पढ़ाना सार्थक है मेरा। तो देखिए एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, ठीक है, इसमें 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट, और इसका जो एनवा पद है पता नहीं कौन सा, वो 253 है, के अंतिम पद से, अंतिम पद से ये पूछ रहा है 20वां पद, 11 करो। तो देखो यहां अंतिम पद से ये 20वां पद नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, अंतिम पद से, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसमें आप क्या निकालेंगे, ठीक है, तो इसको देखो निकालने के दो तरीके, मैं चाहे तो आपको तीन बता दूंगा पर जो सरलतम तरीके हैं वो दो हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो पहला जो तरीका है मेरी दृष्टि में जो सरल है, फिर आप निर्णय करना अपने हिसाब से, कोई सा एक जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप अपना लेना और फिर चॉइस इज योर, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या याद करता हूं कि इस समांतर श्रेणी में 253 मां जो पद है वो कौन से नंबर का पद है, ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या है भाई, प्रथम पद a बराबर 3, ठीक है, और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर d बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, ठीक है।
तो उसी तरह भाई सूत्र लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, ए एन के स्थान पर 253, क्योंकि ये एन वा पद में माना है, बराबर ए के स्थान पर 3 प्लस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी, डी के स्थान पर क्या है 5। ठीक है, अब 3 को उठा के ले जाइए, इसका मतलब 253 और ये 3 इधर को आके माइनस के हो जाएंगे, तो एन माइनस 5, ठीक है, एन माइनस वन इंटू 5 ये कितने हो गए भाई 250, तो 250 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, इससे यहां n माइनस 1 की, सॉरी 5 को बोल गया गलत, तो n माइनस 1 की यहां वैल्यू आ गई, तो n माइनस 1 की वैल्यू सीधे क्या निकालेंगे 250 बटे 5, तो ये 50। ठीक है, अब माइनस 1 को इधर पक्षांतरित कर देते हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा 50 प्लस 1 बराबर 51। इसका मतलब मुझे ये ज्ञात हो गया कि इस समांतर श्रेणी में 253 जो आया है वो 51वां पद है। ठीक है, अब 51 पद इसमें टोटल है। ठीक है, और गलती क्या करते हैं बच्चे, सीधे 20वां पद निकाल देते हैं कि भाई ए 20 नहीं, अंतिम पद, अर्थात अंतिम पद का मतलब 51वें पद से आप शुरू करेंगे और तब 20वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, आप ध्यान रखें, तो अंत से 20वां पद कैसे निकालेंगे भाई, जो पदों की संख्या है, जितने भी पद आए उससे जो भी पद निकालना है अंतिम से उसको घटाएं और उसमें एक जोड़ दें। क्या बात समझ में आई नहीं आई? देखिए जैसे ये 51 पद है इस टोटल इस सीरीज में, ठीक है, ये 253 कौन सा पद है 51 पद, 51वां अर्थात ये 51वां पद है। अब पूछ रहा है अंत से 20वां पद, अर्थात 51 में पद को पहला मानते हुए इधर से चलते आएंगे और 20वां पद निकालना है, तो कैसे निकालते हैं 20वां पद, कि जो भी पदों की संख्या आई है उसमें से जो सा पूछ रहा है अंतिम पद से उसको घटाइए और उसमें एक जोड़ दीजिए, इसका मतलब 52 51 और ये 52 से 20 गए तो 32वां पद, इसका मतलब क्या है कि शुरू से मैं 32वां पद निकालूं या अंत से 20वां पद निकालूं एक ही बात है, पता ही समझ में। ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं A32, वो एक ही बात होगी किसके, कि अंत से 20वां पद निकालूं, तो A32 कैसे निकालेंगे, सूत्र वही है, सूत्र आपको An का पता ही है, An बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो उसी तरह A32 बराबर प्रथम पद, इस सीरीज का प्रथम पद क्या है 3 प्लस N के स्थान पर 32वां पद निकाले तो 32 माइनस 1 इंटू D, D क्या है हमारा 5, तो देखिए 3 प्लस ये 31, 31 गुणा 5, ठीक है, तो 3 प्लस 31 पंजे 155, 158 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, इसमें गलती की जो गुंजाइश होती है वो यही होती है, एक दूसरा तरीका और भी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम सीधे ही निकाल देते हैं, ठीक है, उसमें गलती की संभावना अधिक रहती है, पर कैसे निकाल देते हैं कि अंतिम पद, देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये सीरीज है 3, 8, 13, ...253, तो 253 को हम तीन तरीके से व्यक्त करते हैं, कोई कोई लेखक इसको ए एन से व्यक्त करता है, जैसे एन में पद है, ठीक है, ए उसमें ए 20 लास्ट से, तो वो एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एल के रूप में क्या है भाई 253, ए माइनस, ठीक है, तो माइनस ये 20 माइनस 1 इंटू डी के रूप में 5, तो 253 माइनस 19 पंजे 95, तो 253 माइनस 95, 253 से 95 घटा दीजिए, वही आ जाएंगे 158। ठीक है, आप किसी भी सूत्र से निकाल लीजिए, इस सूत्र से निकालिए चाहे जो मैंने ये बताया था इस सूत्र से निकालिए, तो जिसका इंतजार था वो आ गए हैं,
और अब मैं सीधे सीधे हमारे अनुज और इस विद्यालय के व्याख्याता रूप सिंह जी को आपके सम्मुख बुलाना चाह रहा हूं और वो अपनी प्रतिभा, उनकी प्रतिभा के बारे में तो मुझे कहने की कोई जरूरत भी नहीं, आप स्वयं ही देख लीजिए भाई रूप सिंह जी। नमस्कार, सोशल डिस्टेंसिंग। नमस्कार अग्रश्री और सभी फेसबुक से जुड़े, यूट्यूब से जुड़े सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय छल बिहारी जी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं भी इनके वीडियो देखता रहता हूँ। हालांकि मैं गणित से और फिजिक्स आदि विषयों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, हिंदी का एक छोटा सा अध्यापक हूँ कहिए। ये बहुत शिद्दत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, कोरोना जो महामारी चल रही है उसके जागरूकता भी बहुत जरूरी है, हम घर पर ही रह करके इसका पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, और भाई साहब आपको घर बैठे ही ये सारी बहुत महत्वपूर्ण जो पढ़ाई है उसको आपसे रूबरू करवा रहे हैं, तो मैं तो ज्यादा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा इनका अध्ययन क्रम में आप पढ़ रहे हैं गणित को, और अधिक से अधिक इनको जानकारी को शेयर करें, साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई साहब नहीं कह पाते हैं उस बात को, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और कोरोना के क्रम में मैं आपको एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसका आनंद लें। थोड़े से गणित एक द्रोह विषय है, उसे थोड़े से बोरियत भी महसूस होती है, लेकिन आप सभी जागरूक अध्येता हैं, अध्ययन कर रहे हैं आप, तो बीच में थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं और एक गीत आपके सामने रख रहा हूं, वो जागरूकता भी आप में फैलाएगा। ये गीत सुनाया आपने, देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कैसा बेबस है इंसान, कितना बेबस है इंसान, कोविड कोरोना के कहर से कम पड़ गए शमशान, कितना बेबस है इंसान, कैसा बेबस है इंसान, एक जरा सा वायरस आया दुनिया में कोहराम मचाया, अमरीका ने घुटने टेके इटली को लाचार बनाया, और चाइना बेशर्मी से नाच रहा बेईमान, कैसा बेबस है इंसान, कितना बेबस है इंसान, कम हुए हैं चौपट सारे घर में बैठे मन के मारे, सहम रही चितवन मत वाली रूखे से नैना कजरारे, देवालय भी बंद पड़ा है चमन बना वीरान, कितना बेबस है इंसान, कैसा बेबस है इंसान, और देखिए क्या हाल मचा रखा है, सारी दुनिया हांफ रही है कोरोना से कांप रही है, कोई राह नहीं दिखती है मौत सामने नाच रही है, ओ पगले नादान बचेंगे कैसे तेरे प्राण, कितना बेबस है इंसान, कैसा बेबस है इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई बे भगवान, कितना बेबस है इंसान, और उसका उपाय भी बताया क्या करना है हमें, लॉकडाउन सामाजिक दूरी मत समझो इनको मजबूरी, बार बार हो हस्त प्रक्षालन मुंह पर मास्क है बहुत जरूरी, घर बैठे ही जंग जीतेगा अपना हिंदुस्तान, कैसा बेबस है इंसान, कितना बेबस है इंसान, जय हिंद जय भारत, कीप डिस्टेंसिंग, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर बैठे ही आदरणीय छल बिहारी जी की मेधा का, उनकी प्रज्ञा का, उनकी शिक्षण कौशल का आनंद लीजिए, बहुत ही शिद्दत से करीने से आपको पढ़ा रहे हैं, आदरणीय छल बिहारी जी को मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ, बीच में आपको इंटरप्ट करने के लिए, बाधित करने के लिए खेद है, आदरणीय छल बिहारी जी पुनः आमंत्रित है, स्वागत है, धन्यवाद, जय हिंद, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी क्रम में
इसी आप बढ़ाते हुए इस क्रम को अब अगले प्रश्न पर आता हूं और एक अलग सा सवाल थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा लेकिन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपकी जो परीक्षा है उसमें पूछा जा चुका है कि कभी कभी तीन पद दे देता है। जैसे मैं ये सवाल लिख देता हूं कि एक एपी एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के लिए मैं शॉर्ट में एपी लिख रहा हूं, एक एपी के तीन पदों का योग, तीन पदों का या तीन संख्याओं का योग माइनस तीन है, चलो तीन कर देता हूं, माइनस तीन है तथा उनका गुणनफल, उनका गुणनफल आठ है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी। देखो इसको ध्यान से समझना है आपको कि हम इन तीन संख्याओं को कैसे माने। देखो अब तक हमारा जो सामान्य क्रम था कि हम पहले पद को a लेते थे, दूसरी संख्या के लिए a प्लस बी और तीसरी संख्या को a प्लस टू डी और अगर चौथी संख्या की जरूरत पड़ती थी तो a प्लस थ्री डी के रूप में लेते थे, ठीक है। अब अगर इसी क्रम में मैं पहली संख्या को a, दूसरी को a प्लस बी और तीसरी को a प्लस टू डी लूं तो जब हम इसका गुणनफल लिखेंगे तब समस्या आएगी क्योंकि a प्लस डी, a प्लस टू डी और a तीनों संख्याओं का गुणनफल करना पड़ेगा और ये काफी श्रम साध्य तो है ही, आपका काफी समय बर्बाद भी कर देगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट कैसे कि हम इन संख्याओं को कैसे लेते हैं, तो आप रट लीजिए बने इस बात को कि अगर तीन संख्याएं दी गई हो तो उन तीन क्रमागत संख्याओं को कैसे लेते हैं। तो कैसे लेते हैं आप, मैं लिख रहा हूं, माना वे तीन संख्याएं a माइनस बी, a और a प्लस डी है, ठीक है भाई। हम जानते हैं कि अगली संख्या कैसे निकालते हैं, पहले वाली संख्या में सार्वंतर को जोड़कर, ठीक है। तो पहली संख्या अगर a माइनस डी है इसमें d जोड़ेंगे तो d से माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगी, a आ जाएगी, फिर a में फिर d जोड़ेंगे तो a प्लस डी आ जाएगी। तो अब इससे देखिए सवाल कितना आसान हो जाता है, इनका योग कितना है माइनस तीन, तो देखिए इनका योग कैसे निकालेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी और वो किसके बराबर है माइनस तीन। तो देखिए कितना फायदा हुआ इसको मानने से, इस d से ये माइनस डी कैंसिल आउट, तो यहां क्या बचेगा ट्रिपल ए, तो ट्रिपल ए बराबर माइनस तीन, तो a बराबर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस तीन बटे तीन तो माइनस ए। अब देखिए a का मान अर्थात प्रथम जो संख्या है वो माइनस एक आ गई, अब देखिए मुझे d का मान और ज्ञात करना है भाई, तो इनका गुणनफल, इनका गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा भाई, a ऐसे लिख दीजिए चाहे a a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, संख्याओं कैसे भी लिख सकते हैं गुणनफल में, तो इन दो संख्याओं पे नजर डालिए, a प्लस डी a माइनस डी, अर्थात एक बार ये दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं एक बार घट रही हैं, तो प्रथम संख्या के रूप में a है तो इनका गुणनफल क्या होगा भाई, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, तो पहली संख्या दोनों में क्या है a, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये गुणनफल कितने के बराबर है आठ के भाई। a का मान हम जान चुके हैं माइनस एक, तो a का मान रख दीजिए, तो देखिए a की जगह माइनस एक, यहां माइनस एक का वर्ग माइनस बी स्क्वायर बराबर आठ, ठीक है, तो माइनस एक का वर्ग एक हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर आठ, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि माइनस वन माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस आठ, ये माइनस एक इस बटे में आ जाएगा तो ये माइनस आठ हो जाएंगे, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर एक इधर जाएगा फिर माइनस का हो जाएगा ये बराबर माइनस नौ। अब देखो माइनस नौ से
ठीक है, ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस नौ, ये कैंसिल आउट हो गए, तो डी स्क्वायर बराबर नौ, तो डी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस माइनस थ्री। तो देखिए अब डी बराबर दो कंडीशन हो गई, एक बार प्लस तीन है और एक बार माइनस तीन, तो यदि डी बराबर प्लस तीन है तब पहली संख्या जो देखो ये संख्या थी a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो देखिए माइनस एक और माइनस के तीन, ठीक है माइनस एक क्योंकि a का मान क्या है माइनस वन यहां से, और a प्लस तीन, ठीक है तो ये माइनस चार माइनस एक और माइनस वन प्लस तीन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो गई माइनस चार माइनस एक और दो, ठीक है। और अब हाँ भाई दूसरी कंडीशन चलो मैं यहां लिख देता हूं कि यदि d बराबर माइनस तीन है तब, ये संख्या थी ना a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी, तो माइनस एक डी के स्थान पे माइनस तीन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ए के स्थान पर माइनस वन और ए के स्थान पे माइनस वन और ये माइनस तीन, तो ये दो, ठीक है भाई माइनस वन और माइनस चार। आप डी को चाहे प्लस तीन लीजिए चाहे माइनस तीन लीजिए, आना यही है।